अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ रोही के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए, अकलियतों की इबादतगाहों का तहफ्फुज़ किया जाए, किसी फर्द के रवैया को किसी मजहब के साथ जोड़कर इबादतगाहों को नुकसान पहुँचाना गैर आइनी, गैर इखलाकी और काबिल मजम्मत इकदाम है। सिंध में कंद कोट अकलियती इबादतगाह पर हमले की मजम्मत करते हैं। जनूबी एशिया में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी बड़ी खतरनाक है। हिंदुस्तान को कट्टर हिंदू रियासत और पाकिस्तान को तालिबान स्टेट बनाने के लिए शिद्दत पसंद सोच सरगर्म है। शिद्दत पसंद सोच से लोगों की मजहबी आज़ादी और बुनियादी हकूक सलब हो जाएंगे। पाकिस्तान में दाता दरबार, बाबा फरीद, गंज शकर, मसाजिद, इमाम बारगाहें शिद्दत पसंदों के हाथों निशाना बन चुकी हैं। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें मस्जिद, इमाम बारगाह, गिरजा, गुरुद्वारा, मंदिर, अकलियतों, जानो माल को तहफ़ुज़ हासिल हो। ये बात सरायकिस्तान कौमी इत्तेहाद सरबराह जानशीन दरबार फरीदकोट मिठन शरीफ ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेचा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। इजाज राही, सिटी रिपोर्टर, कोट मिठन। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रोहिणी।